एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये सब हमारे को पुरानी हिस्ट्री के बारे में चैप्टर है, जिसमें हमें बताया गया है कि क्या था वहां पर, वेयर कहाँ पर था, कैसे था और कब। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जैसे सबसे पहले जैसे फायर जो थी, फायर को कैसे डिस्कवर किया गया, तो इन सब की जानकारी जो है ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको कराऊंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले रशीदा को क्वेश्चन, ये एक रशीदा लड़की है, उसने एक क्वेश्चन पूछा है। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आई फॉल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसकी एकदम हेडलाइन के ऊपर नजर गई। और वन हंड्रेड ईयर्स अगो, एक साल मतलब 100 साल पहले, हाउ शी वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन्ड सो मेनी ईयर अगो। वो एकदम से 100 साल पहले, 100 साल पहले सुनते ही हैरान सी हुई। और क्या हुआ होगा, आप में से किसी को कुछ पता है? तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, तो यही हम पता लगाएंगे। तो यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर। कल तुमने रेडियो में भी सुना होगा, टेलीविजन में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। लास्ट ईयर आज समबॉडी हु रिमेम्बर्स, कोई मतलब पिछले साल का पूछे कि कुछ तुम्हें याद है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। मतलब पिछला आपको कैसे याद रहेगा और कैसे क्या था पास्ट, तो वो कैसे करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब इसमें एक इंट्रोडक्शन दे रखी थी। अब व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में पिछले जो साल थे उनके बारे में क्या पता है। देखो, देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, हमें बहुत सी चीजें पास्ट के बारे में पता लगानी है कि जो लोग थे वो क्या खाते थे, वे कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, रहने के लिए। अब जैसे उस टाइम तो ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी कि घर बने और कुछ, जब स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग हुआ था तो वो खाना खाते थे, तो लीव करते थे रहने के लिए। वो क्या हंटर बनते थे, फार्मर बनते थे, रूलर बनते थे, मर्चेंट थे, प्रिस्ट मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं, या कोई काम करते थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे। तो ये आपके मन में क्यूरियोसिटी है ना कि पहले जमाने में 100 साल पहले अगर हम देखें तो क्या फैसिलिटीज थी और लोग किस टाइप के थे। तो हम गेम चिल्ड्रन प्ले द स्टोरी दे हर्ड, कई बार तो ना मतलब जैसे नानी दादियां जो होती हैं वो कहानियां सुनाती हैं और उससे वो स्टोरी सुनते हैं, तो उन्हें कुछ पता लगता है कि हाँ पहले जमाने में ये सब होता था। वेयर डिड द पीपल लिव, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो लोग थे पुराने जमाने के वो कहाँ रहते थे। वो जनरली जो लोग होते थे वो पानी के आसपास रहते थे, लिव नियर द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर। 100,000 साल पहले जो लोग थे वो जनरली जो रिवर होती है उसके किनारे पे रहते थे। और जैसे अब हम देखेंगे इसका, नर्मदा जो रिवर है, देखिए मैप दिखा रखा है, इस मैप में देखिए नर्मदा रिवर कहाँ है, ये देखिए, दिस इज वन इज नर्मदा रिवर। जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के आसपास, ये क्या है, मध्य प्रदेश के आसपास जो बैंक ऑफ द रिवर था उसके आसपास, वहां पर 100,000 साल पहले रहते थे। सम ऑफ द अर्लियस्ट पीपल हु लिव्ड हियर विल स्किल्ड गैदर दैट दे पीपल हु गैदर देयर फूड, और ये ज्यादातर क्या करते थे, फूड को गैदर करने के लिए यहां रहते थे, क्योंकि मछली मिल गई, कुछ भी मिल गया तो उसे खा लेते थे। वास्ट वेल्थ इन प्लांट्स इन द सराउंडिंग, और जब पानी होगा तो वहां पर फॉरेस्ट भी अच्छे होंगे, एनिमल्स भी होंगे, जिसके कारण उनका लिवलीहुड अच्छे से चल जाता था। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, इसलिए वो एनिमल्स को हंट भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किरकार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट, अब हम क्या देखेंगे, सुलेमन और किरकार हिल, देखिए ये दिखा रखे इस साइड पाकिस्तान की तरफ, सुलेमन एंड क्या है किरथार हिल इन द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले, जो बाजरा और गेहूं 8,000 ईयर अगो पहले जो है लोगों ने क्या ज्वार और जो सॉरी बाजरा और गेहूं उगाना शुरू किया था, बहुत टाइम पुरानी हो गया। और उन्होंने फिर क्या किया था, रियरिंग मीन्स उनके जो ऊपर की जो खाल होती है, बाल होते हैं, उन सबको रियर करते थे। लोकेट द गारो हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ कौन सी होगी, दिस वन इज नॉर्थ साइड एंड इस वन इज दिस वन, तो अब हमें देखना है नॉर्थ ईस्ट साइड पर। तो नॉर्थ ईस्ट साइड पर जो है, लोकेट द गारो हिल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पर तो हमें गारो हिल
और विंध्याज इन द, ये मैं इसलिए आपको मैप अच्छे से करा रही हूँ क्योंकि ये जो है आपका सिलेबस में है तो आपके मैप फिल करने भी आते हैं, तो पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। जैसे मैंने बताया आपको नर्मदा रिवर बोला, जैसे मध्य प्रदेश के आसपास तो आपको याद रहेगी, पाकिस्तान के आसपास सुलेमन और किरथार हिल है, और उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट में विंध्याज इन द सेंटर, सेंटर पे क्या है विंध्याज, देखिए ये जो सेंटर है सेंटर में क्या बना हुआ है विंध्याज। ओके, तो ये सब है एरिया वेयर द एग्रीकल्चर डेवलप, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर क्योंकि उसके आसपास पानी बहुत ज्यादा था, वहां पर जो है घने घने जंगल थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द प्लेसेज वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, जो विंध्याज जैसे मैंने बताया ये सेंटर में विंध्याज लाई कर रहा है, इसके नॉर्थ में सबसे पहले राइस को बोया गया था। तो हम हिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग वे में ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप बोर हो रही हैं। ठीक है, तो ट्रेस द रिवर इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरी आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इन द लार्जर रिवर, ट्रेस द रिवर्स इंडस, अब हमें इंडस रिवर देखनी है और उसकी जो शाखाएं छोटी छोटी निकली होंगी। इंडस रिवर देखिए, इंडस रिवर इस मैप में दिस इज द इंडस रिवर, और इससे ये जो छोटी छोटी निकली हुई है और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में नदियां जा रही हैं, तो ये क्या हुआ इंडस रिवर, तो दिस वन इज इंडस रिवर। देखो यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हो रही है क्योंकि यहाँ पर नदी है नर्मदा, ऐसी नर्मदा नदी की है तो वहां पर भी ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है, तो ये सब आपको प्लेसेस याद होनी चाहिए। और इन टू द लार्जर, और छोटी छोटी नदियां बहती हैं उसमें से और जो क्या होती हैं बड़ी रिवर में चली जाती है। अबाउट 4700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर, और 4700 साल पहले कुछ सिटीज भी फ्लोरिश्ड हुई थी इन बैंक ऑफ द रिवर। क्यों हुई थी, क्योंकि बैंक ऑफ द रिवर पे रहता है जो भी तो वहां पर सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल जाती हैं। 2500 ईयर अगो सिटी डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड अलोंग द सी कोस्ट, और उसके बाद 2500 साल पहले, ये तो बहुत पुरानी बात थी, जब नर्मदा के पास और मैंने आपको बताया इंडस रिवर के पास, अब हमने क्या करना है गंगा रिवर, देखिए गंगा रिवर कहाँ है यूपी की साइड है, दिस वन इज गंगा रिवर, 2500 साल पहले गंगा रिवर के आसपास भी क्या हुई डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। तो हमें क्या याद रखना है, जो सबसे पहले जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे नियर द रिवर, जहां भी रिवर थी वहां आसपास रहते थे। ठीक है, अब लोकेट द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन, अब गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसे हम क्या बोलते हैं सन बोलते हैं। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, अगर गंगा के साउथ में देखेंगे तो उसे हम मगध बोलेंगे, और इट रूल वेरी पावरफुल एंड लार्ज किंगडम, और इसे बहुत पावरफुल और लार्ज किंगडम ने क्या किया था राज किया था, इस पे किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और बहुत सी जगह और भी किंगडम सेटल की गई थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, अब देखिए ये तो है नहीं कि वो एक ही जगह टिके रहते थे, कुछ टाइम बाद वो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उन्हें भी क्या करना होता था, जैसे हमें भी एनवायरमेंट चेंज करना होता है उन्हें भी एनवायरमेंट चेंज, खाने की चीजें चेंज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। हिल एंड द माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय डेजर्ट रिवर सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, और उस टाइम यहां पर जर्नी करना बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्यों था क्योंकि उस टाइम ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कोई काम भी करना इम्पॉसिबल नहीं होता। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, इसलिए जो मैन और वुमेन होते थे वो नेचुरल डिजास्टर फ्लड और ड्राउट भी आ जाते थे, और मैंने जैसे बताया डिफरेंट अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते थे। समटाइम मार्ज इन आर्मी, कई बार तो वो क्या करते थे एक ग्रुप में घूमते थे और कॉन्करिंग अदर लैंड्स और दूसरी लैंड पे चले जाते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल विद द कारवां और शिप, और जो तो पैदल चल पड़ते थे बेचारे लोग जिनके पास कुछ फैसिलिटी, और कुछ जो मर्चेंट होते थे जो बड़े बड़े वो बनते थे मर्चेंट जो मतलब सौदागर होंगे, वो क्या करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जब जाते थे तो वो क्या करते थे कारवां पे जाते थे या शिप पे, और वैल्यूएबल गुड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टाउन टू टाउन स्टॉपिंग ऑफ, पहले ये होता था गुरुकुल, पढ़ाई कहाँ होती थी गुरुकुल में, तो इसलिए टीचर्स जो होते थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस एक टाउन से दूसरे टाइम इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, और जो भी मिलता था उन्हें अच्छी सलाह देते हुए जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल एट द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें है ना शौक होता था कि हमने नई नई चीजें देखनी है नई नई डिस्कवरी करनी है, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते थे। दिस लीड टू द शेयरिंग आइडिया बिटवीन पीपल, जैसे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके आइडियाज भी शेयर
होते थे। तो मेरे को लग रहा है आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा चैप्टर, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत इजी वे में देखिए क्या बताया, हिमालय बताया, नर्मदा रिवर बताई, उसके बाद में विंध्या बताई और बहुत से पहाड़ बताए पाकिस्तान की तरफ। तो आपको ये देखिए मैप याद हो जाएगा, मैप में इस टाइप से याद करना है, ठीक है। तो ये जो आए हैं ये हमने अब तक यहाँ तक वैल्यूएबल थिंग्स पढ़ ली हैं। व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे, आजकल हम देखें तो आजकल लोग क्यों घूमते हैं, वही बात है जैसे वो घूमते थे हम भी घूमते हैं। ऑल माउंटेन सी ऑफ द नेचुरल फ्रंटियर आर सम कंटिनेंट, व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। पहले देखो मैप में देखें तो एक हिल से एक माउंटेन से दूसरी जगह जाने में क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों है? क्योंकि वहां पर जो क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन, क्योंकि उसके बीच में क्या है, इस बड़े बड़े समुद्र भी है। क्रॉस द फ्रंटियर आल्सो कम समटाइम एंड सेटल देयर, और इसलिए कुछ लोग तो क्या हुआ क्रॉस किया और वहीं पर ही सेटल हो गए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड रिच अवर कल्चर ट्रेडिशन, जिसके कारण ट्रेडिशन भी अलग अलग होगी, जिस एनवायरमेंट में रहोगे वहां का हमारे पास कल्चर आ जाएगा, कुछ और होगा वहां पर, कुछ और चीज अगर हम सो करेंगे बोएंगे तो वहां पर हमारे को डिफरेंट खाना मिलेगा। इसलिए साउथ में अलग होता है, नॉर्थ में अलग होता है, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट सब हो गया था। इस वजह से कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड फॉर सेवरल ईयर हंड्रेड ऑफ ईयर। अब नेम्स ऑफ द लैंड, ओके, टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम इंडिया को क्या बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस, जो इंडस रिवर बताई सिंधु इन संस्कृत, जिसे हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में, जो इंडिया वर्ड आया वो इंडस से आया। इंडस मीन्स संस्कृत इन हिंदी, संस्कृत में सिंधु जो नाम है उसी से हमारा इंडस, इंडस रिवर के नाम पे इंडिया नाम पड़ा है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन अवर एटलस, आप ईरान और ग्रीस भी अपने एटलस में ढूंढने की कोशिश करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ईरान और ग्रीक कहाँ मिला। हु केम थ्रो द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 ईयर अगो एंड वर फैमिली विद द, मैं इसलिए ये नहीं पढ़ के बता रही आपको, आपने बताना है कि ईरान और ग्रीस एटलस मैप में देख के कहां पर है, वो इंडिया के एक आसपास कहां पर पड़ता है, ओके। द नेम ऑफ भारत वॉज यूज टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और भारत जो भारत नाम पड़ा है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके नाम पर मैंशन इन द ऋग्वेद, जो ऋग्वेद जैसे चार टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब जो होते हैं उनमें से एक ऋग्वेद में नॉर्थ वेस्ट में जो पीपल रहते थे उनके नाम पर क्या नाम पड़ा, भारत का नाम पड़ा। द अर्लिएस्ट कम्पोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 35 ईयर्स अगो, और ये नाम भी हमारा 35 ईयर अगो होगा। लेटर इट वॉज यूज इन द कंट्री, और बाद में ये हमारी कंट्री के नाम पे यूज होने लगा। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम कुछ पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए हमें जैसे अब पढ़ते हैं तो हमारी बुक्स में लिखा होता है तब हमें पता लग जाता है, रीड बुक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम तो हमें पता लग जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दीज आर, और जो पहले रिटर्न होता है बहुत साल पहले उसे हम क्या बोलते हैं, मैनुस्क्रिप्ट। और जो पहले मैनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, पहले कागज तो होते नहीं थे, पेपर नहीं होता था, तो पेज नहीं होने के कारण वो पाम लीफ जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उस पर लिख देते थे एंड इट इज नोन एज मैनुस्क्रिप्ट। मैनुस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर अगो, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले लिखी गई थी। द पाम लीफ वर कट इन टू पेजेस एंड टाइड टूगेदर टू मेक ए बुक, और उन्हीं को जोड़ जोड़ के हम क्या बना लेते थे, बुक। टू सी ए बर्च बार्क मैनुस्क्रिप्ट टर्न ऑन पेज 45, दिस, ये देखो ये ऐसे ही होता था, बड़े बड़े पत्ते होते थे पाम ट्री के, उनको काट काट के बुक में कन्वर्ट कर लिया जाता था और इस टाइप से लिखा जाता था और ऐसे संभाल के रखते थे, तभी हमें पूरी की पूरी पुराने जमाने की हिस्ट्री का पता चलता है। देर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट द पास्ट, वन इज सर्च ऑफ रीड बुक दैट आर रिटन लॉन्ग अवे, दीज आर नोन एज, जो हमारा रिटन फॉर्म में है मैन के द्वारा रिटन फॉर्म, सो इट इज नोन एज मैनुस्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट मैन के द्वारा लिखा गया, बिकॉज दे रिटन बाय हैंड, और वो किससे लिखा था, हैंड, तो मैनू मीनिंग हैंड, मैन का मतलब मैनू मीन्स हैंड, हैंड से लिखा गया था, सो इट इज नोन एज मैनुस्क्रिप्ट। दीज वर यूटिल, मैंने जैसे बताया पाम ट्री पे लिखा जाता था, स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बर्च, और वो बार्क ऑफ ट्री जो बर्च होती है उससे प्रिपेयर किया जाता था, विच ग्रोन इन द हिमालय, ये हिमालय पे ग्रोन होते थे कौन से, बार्क ऑफ ए ट्री, बार्क मतलब उसकी बड़ी बड़ी छाल। ओवर द ईयर मैनू मैनुस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, क्योंकि अब ये तो क्या है, पत्ते हैं या छाल है पेड़ की, वो धीरे धीरे इंसेक्ट और कुछ वो डिस्ट्रॉय होगी, जैसे हमारे पेजेस हैं वो तो फिर भी हम सेव रखते हैं। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इसलिए उन्हें जो है जो भी हमारे बड़े बड़े टेम्पल हुए या फिर हमारे क्या हुआ बड़े बड़े मठों में रखी जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया या तो टेम्पल में रख देते थे या फिर बड़े बड़े मठों में रख देते थे।
दीज बुक डे ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट होते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लीव ऑफ किंग, मेडिसन, साइंस, सारी की सारी बुक्स को, क्योंकि कीड़े मकोड़े ना खाएं, जीव जंतु ना खाएं, इसलिए सेफ प्लेस में रख दिया जाता था। और उसमें साइंस भी होती थी, मेडिसिन भी होती थी, किंग कैसे रहते थे उनके बारे में भी होती थी, रिलीजन के भी साइड, देयर वर एपिक्स पोएम प्लेज, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी पोएम लिखी होती थी, कोई प्ले होते थे, कोई एपिक्स होते थे, उनके बारे में भी जानकारी होती थी। अदर वर प्राकृत लैंग्वेज ऑर्डिनरी एंड तमिल, और संस्कृत में भी लिखी जाती थी, या फिर जहां पर जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट जगह रहते थे, अगर साउथ में रह रहे हैं तमिल तो तमिल में भी लिखी जाती थी। वी आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, अभी मैंने आपको बताया मैन्युस्क्रिप्ट, नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। देयर आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, जब हम जैसे हाथ से लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब जब हम किससे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टोन पे, किसी पत्थर पे, हम क्या करेंगे, कोई कील ठोक के या कुछ इस टाइप से, हम हैमर से कुछ लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। दीज आर राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल, समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्रिप्ट सो दैट पीपल कुड, इसलिए लिखवाते थे ताकि कोई भी लोग कहीं पर भी हैं, वो जब जहां से जा रहे हैं रोड से या कुछ, तो वो पीपल उसे सी कर सकें, देखें और पढ़ें और उसे ओबे कर सकें। देयर आर अदर किंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड देयर दे, फॉर एग्जाम्पल किंग कैन ऑफन रिकॉर्ड विक्ट्रीज ऑफ द बैटल, जो भी अब जीत के आते थे तो भी वो क्या करते थे, खुदाई करके और लिखवा देते थे। देखो एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन डेट ऑफ 2050 ईयर अगो एंड वॉज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में मिली है, जैसे मैंने पाकिस्तान में आपको दिखाया था अभी, ऐसे अफगानिस्तान में मिली है ये इंस्क्रिप्शन। इट वॉज रिटन ऑन ऑर्डर रूंड, जो अशोका जो था उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, जिसके बारे में हम आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट, जो भी हम कुछ लिखते हैं उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, अगर वो हैंड रिटन है देन इट इज नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट, अगर ये खुदाई करके किसी पत्थर पे या मेटल पे है तो उसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ ए लेटर और साइन, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई लेटर या साइन लिखा है। व्हेन वी रीड व्हाट वी रिटन और स्पीक यूज लैंग्वेज, और कुछ पढ़ने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं। और इंस्क्रिप्शन इन रिटन इन टू लैंग्वेजेस, ग्रीक एंड अरेमिक, ग्रीक लैंग्वेज में एंड अरेमिक लैंग्वेज में। ओके, तो ये हुआ आपका इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो उसके बाद में है, कैन यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड वी हैव डिफिकल्टीज, आपको भी सोचे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जब हाथ से लिखते होंगे राइटिंग उन्हें हार्ड सरफेस, तो कैसे कैसे उन्हें डिफिकल्टी होती होंगी। यूज इन द पास्ट, मेड एंड यूज, ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें बनी हुई है पास्ट में। दोज हू स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट इज नोन एज आर्क्योलॉजिस्ट, आर्क्योलॉजिस्ट क्या होते हैं, देखो अब हमने पढ़ लिया मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, अब है आर्क्योलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ बिल्डिंग, जब बिल्डिंग्स और जो स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, इनके बारे में, पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर के बारे में जो स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं आर्क्योलॉजिस्ट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल, वेपन, कोट, पेन, ऑर्नामेंट एंड क्वाइन। ये आर्क्योलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी एक्सप्लोर करते हैं पूरी की पूरी अर्थ को, इवन डिग करके उनमें से बहुत से टूल्स, वेपन, जो औजार थे, पोर्ट थे, किसमें खाना बनाते थे, कैसा पहनते थे, कौन से क्वाइन यूज करते थे, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्क्योलॉजिस्ट। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में मेड अप ऑफ स्टोन, लेकिन जो ये स्टोन के बने होते थे या फिर बोन्स के बने होते थे, बेक्ड क्ले और मेटल के बने होते थे, और मेड अप ऑफ हार्ड इम्पेरिशिबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये बहुत ज्यादा हार्ड बनाते थे ताकि उनके लिए बनाना इतना आसान नहीं था, जैसे आजकल तो हमारे पास बहुत सी मशीनें हैं, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। तो देखो ये पोर्ट है, फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट लाइक वर यूज इन 4700 ईयर अगो, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन भी दिखा रखा है यहाँ पर फ्रॉम 25 ईयर अगो, इन व्हाट वे द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिश, उस जमाने में कैसे एनिमल्स होते थे, उनके बर्ड्स कैसे होते थे, फिश कैसे होते थे, और कैसे सर्वाइव करते थे, पीपल एट इन द पास्ट, कैसे लोग खाते थे, क्योंकि उन्हें बोन्स मिली तो बोन्स से पता लगा कि वो जानवरों को भी खाते थे। और इफ सीड ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्नड दे सर्वाइव इन ए चार्ल्स फॉर्म, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, और वो कपड़े कैसे पहनते थे ये भी आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, ठीक है ना। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इन्फॉर्मेशन, सोर्स मतलब कहां से मिला,
फाउंड फ्रॉम द मेनुस्क्रिप्ट, और जो सोर्स होता था हिस्टोरियन ये सब ढूंढने के लिए, वो कहाँ से ढूंढते थे, जो लिखा होता था मेनुस्क्रिप्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, इंस्क्रिप्शन में, आर्कियोलॉजिस्ट में, तो हिस्टोरियन उन सबको पढ़ के ये सब यूज करते थे और पास्ट का पढ़ते थे। तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री में हमें पुराने चीजों के बारे में पता लगता है। आवर सोर्सेज आर फाउंड इन लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एडवेंचर, और ये एक हमारा क्या हो गया, एडवेंचर बन गया, एज ए रिकंस्ट्रक्ट टू बिट बाई बिट, सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट कैसे हुए, जैसे डिटेक्टिव करते हैं किसी भी, कोई भी कुछ चोरी हो जाए या कुछ मर्डर हो जाए तो उसमें डिटेक्टिव काम करते हैं, ऐसे ही हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट पास का पता करने के लिए काम करते हैं। सोर्स ऑफ क्लू, वो क्लू ढूंढते हैं मैनुस्क्रिप्ट को पढ़ कर पढ़िए। वन पास्ट और मैनी, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक, अवर पास्ट, हमारा पास्ट। इफ वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग पीपल के लिए पास्ट अलग होगा, जैसे सबके लिए सबका पास्ट अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। कुछ पास्ट में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, अब फ्यूचर में खुश नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, तो इसलिए पास्ट जो होता है डिफरेंट पीपल का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लीव ऑफ हर्डर और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन, अगर हम देखें कोई गरीब किसान है उसका जो जीवन होगा वो अलग होगा, उसका पास्ट अलग होगा इन कंपेरिजन टू किंग एंड क्वीन। ऐसे ही जो मर्चेंट होगा उसका क्राफ्ट पर्सन जो काम करता है उससे तो डिफरेंट होगा ना, वो ज्यादा अच्छी लग्जरियस लाइफ जिएगा इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ क्राफ्ट पर्सन। इट इज ट्रू इवन टूडोर पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट of the country. For example, today most people living in Andaman Island get their own food by fishing. जैसे अंडेमान में रहेंगे, अंडेमान के पास आइलैंड है, आइलैंड है तो वहां पर फिश वगैरह मिलेंगी, वो फिशिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करेंगे और उससे अपना सर्वाइवल करेंगे। और लिव इन द सिटीज, जैसे लोग सिटीज में रहते हैं वो क्या होंगे, सप्लाईज ऑफ फूड आएंगे, मॉल में जाएंगे और उनको रॉ मटेरियल खाने की जरूरत नहीं है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वराइटी ऑफ फूड मिलेगी। तो डिफरेंसेज सच एज दीज एग्जिस्टिंग इन द पास्ट एज वेल, और ऐसा डिफरेंस क्या है पास्ट में भी होता था। बिसाइड देर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो ग्रेट डील ऑफ द किंग एंड द बैटल दे फोर्ट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, जो भी उनकी जीत होती थी उसका भी वो क्या रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फोक, गैदरर, फार्मर, हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड, जो बड़े बड़े राजा थे वो तो अपना रिकॉर्ड रख सकते थे, ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग होते थे वो अपनी फोटो भी बनवा लेते थे, फोटोग्राफ के लिए उन कहते थे आर्टिस्ट को और वो उनकी फोटोग्राफ बना देते थे। लेकिन जो कोई गरीब किसान होगा, फिशिंग करने वाला होगा, फार्मर होगा, हर्डर होगा, वो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी मनी नहीं है। वाइल आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड अस अबाउट देयर लीव्स, देयर मच दैट रिमेन अननोन, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो गरीब लोग हैं उनके हम क्या करेंगे, उनके जितने भी वो खाना किस में खाते थे, क्या पहनते थे, किस टाइप की लिवलीहुड जीते थे, उनकी जो बोन्स हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने पता लगाया वो किस टाइप के थे। व्हाट डू डेट्स मीन, आप देखो जो भी हमें हिस्ट्री है उसमें हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और डेट्स, डेट का क्या मतलब है, इफ समबडी आस्क्स यू अ डेट यू प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर, अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे, जैसे कोई भी डे है, जुलाई है, 18 डेट है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो दीज आर द टाइम, हम पास्ट कर पूरी डेट को इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो ईयर्स हैं वो काउंट हो रहे हैं जनरली कहां से, जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे उसे क्रिश्चियनिटी, सो 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर बीसी, पहले जो लिखा जाता था वो बीसी शताब्दी ईसा पूर्व इस टाइप से लिखते थे, एडिड ऑन। इन दिस बुक वी विल रेफर डेटेड गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज द स्टार्टिंग पॉइंट, और हम जनरली कहां से पढ़ेंगे 2000 फ्रॉम द 2000 साल पहले। अब लेटर विद डेट बीसी, बीसी हैज बीन स्टार्ट बिफोर क्रिस्ट, देखिए बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के पहले पैदा होने से पहले बीसी एंड उसके बाद 2000। यू विल समटाइम एडी बिफोर डेट, कई बार एडी भी लिखा हो जाता है, दिस स्टैंड फॉर द लेटिंग वर्ड एनो डोमिनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड एसो 2005 आल्सो रिटन एज एडी 2005, जब गॉड क्रिस्ट का जन्म हो गया एनो डोमिनो डोमिनी देन 2005 के आगे हम एडी लिखेंगे, बीसी लिखेंगे मीन्स उससे पहले, जो क्रिस्ट पैदा हुए थे उनसे पहले का जो डेट होगा उस पर हम लिखेंगे बीसी। समटाइम्स सी इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बता रही। उसके बाद में है ये देखिए,
एल्स वेयर वी हैव सीन इंस्क्रिप्शन रिटन इन हार्ड सर्फेस. जैसे मैंने बताया इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट तो है, पत्तों पे लिखी जाती थी. इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सर्फेस पे. मेनी ऑफ दिस रिटन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर अगो. ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. बहुत सी स्क्रिप्ट भी होती थी. स्क्रिप्ट मीन्स क्या होगा, मैंने जैसे बताया था स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ डायलॉग लिखते हैं, वो सब हो गया. लैंग्वेज होती थी. लैंग्वेज कुछ भी हमारे सिम्बल्स होंगे. दीज आर स्क्रिप्ट और लैंग्वेज. लैंग्वेज विच आर यूज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम. दीज ए टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गई. उन्हें जैसी लैंग्वेज लिखती थी ऐसे तो यूज नहीं करते थे वो इंग्लिश में. ए बी सी डी ई एफ जी इस टाइप से तो उन्हें नॉलेज नहीं थी. स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. सो जो ये जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इनसे अंडरस्टैंड करते हैं. सो द प्रोसेस इज नोन एज डेसिपेचरमेंट. डेसिपेचरमेंट की हेल्प से वो इन सबको गाइड कर लेते हैं. जैसे ये देखिए ये सिम्बल्स बने हुए हैं. सो दीज आर द सिम्बल. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिसिप्लिन कैम फ्रॉम इजिप्ट कंट्री ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका वेयर पीपल एंड द किंग 5000 ईयर्स अगो. रोजेना इज ए टाउन ऑफ नॉर्थ ऑफ द कोस्ट ऑफ द इजिप्ट एंड वाज इंस्क्रिप्टिव टाउन वाज फाउंड विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट. अब जैसे ये बता रखा है एक हम उसके बारे में, इजिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. ये जो है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में रोसेटा था टाउन, उसमें क्या था इंस्क्रिप्ट स्टोन मिले हैं. इंस्क्रिप्शन मतलब जो हार्ड स्टोन पे लिखा हो. डिफरेंट लैंग्वेज है उसमें, स्क्रिप्ट है उसमें, ग्रीक भी लिखी हुई है और टू फॉर्म ऑफ इजिप्शियन भी लिखी हुई है. हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट द नेम ऑफ द किंग एंड द क्वीन वर इनक्लोज इन ए लिटिल पेन कॉल्ड ए कार्टोच. और जो किंग एंड क्वीन थे उनका जो फिगर है, नेम ऑफ किंग एंड क्वीन वर इनक्लोज इन ए लिटिल पेन, और कुछ एक फ्रेम में उनका नाम को कर रखा है कवर. दे प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइन साइड बाई साइड एंड आइडेंटिफाई द साउंड फ्रॉम विच इजिप्शियन लेटर स्टूड. एज यू सी लॉइन स्टूड फॉर एल. अब देखिए उन्होंने जैसे है, अब उनको उस टाइम बोलना नहीं आता था ज्यादा से लैंग्वेज, तो एल उन्होंने कैसे पढ़ा, देखा लॉइन बनाया तो इट मीन्स एल है इसका मतलब. ठीक है, तो ये बात बता रखिये. लॉइन जो है वो स्टैंड फॉर एल, बर्ड फॉर ए. वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड द इंस्क्रिप्शन एज वेल. तो वो उन्हें लेटर पता लग गया जिसके कारण वो इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके करेंगे बुक एक्सरसाइज. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.